जी लास्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है लास्ट लेक्चर में? नो सर। ओके, आज हम एग्जेक की कॉल देखने जा रहे हैं। एग्जेक की बहुत सी वेरिएशंस हैं। इसमें जो फर्स्ट वेरिएशन है दैट इज एग्जेक एल। अब एग्जेक की कॉल करती है कि कॉलर प्रोसेस की इमेज को रिप्लेस करती है विद द इमेज ऑफ न्यू प्रोग्राम। जो भी प्रोसेस इसे कॉल करेगा वो खुद रिप्लेस हो जाएगा विद अ न्यू प्रोग्राम। मेमोरी में उस प्रोसेस की जो भी कंटेंट्स हैं, यानी कि उसमें डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, हीप, स्टैक, ये सब कुछ रिप्लेस हो जाएगा विद अ न्यू प्रोसेस। कोड सेगमेंट चेंज हो जाएगा, डेटा सेगमेंट चेंज हो जाएगा, ये पूरा प्रोसेस ओवरराइट हो जाएगा विद द इमेज ऑफ न्यू प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम का नाम हम देंगे। तो अगर एग्जेक की कॉल सक्सेसफुल हो जाती है तो जो कॉलर होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। सर ये जो एक्सेक के साथ एल लिखा हुआ है ये भी आना है? एग्जेक एल है, एल का मतलब है लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। एक फर्स्ट वेरिएशन की हम बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट तो मेन फंक्शन है, मेन नेम है, और आगे उसकी वेरिएशंस हैं बहुत सारे। एल का मतलब है कि लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स आप पास करेंगे। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट पैरामीटर जो है, जो फर्स्ट आर्गूमेंट है इस फंक्शन को, दैट इज द पाथ, फाइल नेम अलॉन्ग विद पाथ। यानी कि आपने अगर कोई भी प्रोग्राम देना है तो उसके साथ पाथ भी देनी पड़ेगी आपको, कि वो स्टार्टिंग फ्रॉम रूट वो किस डायरेक्टरी के अंदर है। फिर सेकंड, फ्रॉम सेकंड आर्गुमेंट्स, वो आर्गुमेंट्स हैं जो कि आपने इस प्रोग्राम को पास करने हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। हमने देखा जो आर्गुमेंट नंबर 0 होता है वो प्रोग्राम का नेम होता है, देन फर्स्ट आर्गुमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन सो फोर्थ चलता जाएगा। तो यहाँ भी अगर हम उसको पास करना चाहते हैं आर्गुमेंट्स प्रोग्रामेटिकली, तो हम उसको पास कर सकते हैं, जितने चाहे पास करते हैं, कंटिन्यू है, डॉट 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 लगे हुए हैं एंड पे। देखें आप जितने आर्गुमेंट्स आप उससे पास करने हैं आप पास करते हैं, और टर्मिनेट करने के लिए आप नल पास करते हैं, यानी कि आखिरी जो आर्गुमेंट होगा वो नल होगा। एक प्रोग्राम लिखते हैं अभी इसी को, जितना हमने देखा है, ताकि आपको क्लियर हो कि ये करता क्या है।
नोटपैड नजर आ रहा है सबको? यस सर यस आ रहा सर, है। आ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं पहले एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ। बिफोर एग्जेक कॉल, और यहाँ पर फिर एक मैं मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ आफ्टर एग्जेक कॉल। दरमियान में एग्जेक की कॉल करता हूँ ताकि उसका बिहेवियर आपको नजर आए। ओके, फर्स्ट वेरिएशन है एग्जेक एल, और भी वेरिएशंस हैं इसकी, अभी शॉर्टली देख लेंगे, लेकिन अब हम फर्स्ट वेरिएशन की बात करते हैं। एग्जेक मेन फंक्शन का नेम, एंड एल मीन्स लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, कि आपने लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स पास करने हैं। ओके, अब फर्स्ट आर्गुमेंट में आपने प्रोग्राम नेम अलॉन्ग विद इट्स पाथ प्रोवाइड करना है। आप चाहते हैं कि कॉलर प्रोसेस जिस प्रोग्राम की इमेज से रिप्लेस हो जाए उस प्रोग्राम का नाम लिखना है अपने पाथ के साथ। ओके, अब पाथ दे देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रूट, रूट से बिन की डायरेक्टरी में आए, और बिन की डायरेक्टरी में बहुत सी बिल्ट इन प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, उसमें एक है ls। प्रोग्राम की इमेज से कॉलर प्रोसेस रिप्लेस हो जाए, हम कोई भी प्रोग्राम का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। इस एग्जाम्पल में मैं ls दे रहा हूँ, आप अपना प्रोग्राम का नाम दे सकते हैं जो कि आपने खुद बनाया हुआ है। ओके, बात हो गई। अब सेकंड आर्गुमेंट, आपको पता है कि जो जो इस फंक्शन का सेकंड आर्गुमेंट है एक्चुअली वो आर्गुमेंट्स हैं इस प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम को जो आर्गुमेंट्स पास होंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स जो कि हम कमांड लाइन के थ्रू देते हैं। तो चूंकि हम यहाँ पर उस प्रोग्राम को प्रोग्रामेटिकली इन्वोक कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें आर्गुमेंट्स भी यहीं प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो ls प्रोग्राम को जो आर्गुमेंट नंबर 0 जाएगा वो तो एक्चुअली प्रोग्राम का नेम होता है। हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि जो आर्गुमेंट नंबर 0 होता है वो एक्चुअली प्रोग्राम का नेम होता है। आप डिफरेंट भी पास कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर जो भी पास करना है वो उस प्रोग्राम में इंडेक्स 0 पे जाएगा। फर्स्ट आर्गुमेंट क्या हो सकता है? कुछ भी आप पास कर दें, से आपने कमांड्स देख ली हैं, माइनस एल लॉन्ग लिस्ट शो करें, और कोई और भी आर्गुमेंट है वो भी पास कर दें, और आखिर में अपने पास करना है नल, नल टर्मिनेटेड लिस्ट आपने पास करनी है। अब इसमें देखें, execl की सिस्टम कॉल को पहला जो आर्गुमेंट है वो पाथ है उस प्रोग्राम की जिस प्रोग्राम से आप अपने प्रोसेस को रिप्लेस करना चाहते हैं, यानी कि जो कॉलर प्रोसेस है जो इसको कॉल कर रहा है वो खुद रिप्लेस हो जाएगा, वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर उसके कंटेंट सब कुछ रिप्लेस हो जाएगा इस प्रोग्राम के कंटेंट से। ओके, सेकंड आर्गुमेंट से इस फंक्शन के, इस सिस्टम कॉल के सेकंड आर्गुमेंट से एक्चुअली वो आर्गुमेंट्स की लिस्ट स्टार्ट हो रही है जो आपने इसको पास करनी है, इस प्रोग्राम को, ls को। अब यहाँ पर आप कोई भी आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो आर्गुमेंट नंबर 0 होता है जो कि कमांड लाइन आर्गुमेंट्स एरे के 0 इंडेक्स पर पड़ा होता है, एक्चुअली वो प्रोग्राम का नेम होता है, और वहाँ से फिर ऑनवर्ड आपकी स्टार्ट होती है। तो आपने जितने भी आर्गुमेंट्स इसके पास करने हैं, लेकिन पहला आर्गुमेंट होगा वो प्रोग्राम का नेम होगा, देन जो भी आपने आर्गुमेंट्स उस प्रोग्राम को पास करने हैं वो सारे लिख देंगे। सर, ये जो ls है ये प्रोग्राम का नाम है? ls जो आपको सेकंड आर्गुमेंट में नजर आ रहा है, यहाँ देखे ना, मैं आपको यहाँ इसलिए एक लेक्चर पहले कमांड लाइन आर्गुमेंट्स करवा दिए थे। जैसे ये सिंपल ls लिखता हूँ, ls माइनस एल माइनस ए, अब आप देखें ls प्रोग्राम का नाम है, पहले जो मैंने ls लिखा है ये एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल है,
अब ये जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो इसको जो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स पास किए जाएंगे, जो एरे पास किया जाएगा, उसके इंडेक्स नंबर 0 पे एलएस होगा, 1 पे माइनस एल होगा, 2 पे माइनस ए होगा, ऐसा ही है। हाँ जी ऐसे ही है। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख सकता है बाद में। ओके, और जब मैं एंटर करूंगा तो ये प्रोग्राम रन हो गया। ओके, अब देखें, यहाँ भी देखें, दिस इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम। ये वो है जो हमने एग्जीक्यूट करना है, यानी कि जिसको आप चाहते हैं कि जिसके कंटेंट से ही कॉलर रिप्लेस हो जाए, ये उसका नाम है। और यहाँ से आर्गुमेंट नंबर 0, 1 एंड 2 ये स्टार्ट हो रहे हैं। आर्गुमेंट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ यहाँ से। और दिस इज आर्गुमेंट नंबर 0, दिस इज आर्गुमेंट 1 एंड दिस इज 2, तो खैर नल है। जो के एलएस के प्रोग्राम को पास होंगे। ओके, इसको सेव कर लेता हूँ मैं और इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होगा। जीसीसी, हम शायद गलत डायरेक्टरी में हैं। सीडी माउंट सी कोट, जीसीसी प्रोग्राम का नाम हमने रखा हुआ है 4.c माइनस ओ 4.out। प्रोग्राम कंपाइल हो गया, अब इसको रन करेंगे 4.out। ओके, लिस्ट शो हो गई। स्क्रॉल अप करके देखते हैं कि जहाँ से प्रोग्राम मैंने यहाँ से कॉल किया, देखिए एक मैसेज डिस्प्ले हुआ है, बिफोर एग्जैक कॉल। ये वही मैसेज है जो कि हमने प्रिंट एफ के थ्रू अपने प्रोग्राम में डिस्प्ले किया है। उसके बाद एग्जैक की कॉल इन्वोक हुई है, एलएस प्रोग्राम ने कॉलर प्रोसेस को रिप्लेस कर दिया है। जो कॉलर प्रोसेस था, ये हमारा जिसका नाम था 4.out, ये रिप्लेस हो गया है विद द कॉन्टेंट्स, विद द इमेज ऑफ न्यू प्रोग्राम एलएस। अब एलएस के प्रोग्राम से रिप्लेस हो गया तो एलएस का प्रोग्राम रन हुआ। जाहिर है कि वो जो एलएस के अंदर बाइनरी, जो कुछ भी बाइनरी फॉर्म में पड़ा हुआ था, वो सारा का सारा कॉलर प्रोसेस के अंदर आ गया। कॉलर प्रोसेस की इमेज पूरी रिप्लेस हो गई। और बाद वाले जो मैसेज था आफ्टर एग्जैक कॉल, वो डिस्प्ले नहीं हुआ। वो इसलिए डिस्प्ले नहीं हुआ कि कॉलर प्रोसेस कंप्लीटली रिप्लेस हो गया। अगर एग्जैक की कॉल सक्सेसफुल हो जाती है तो एग्जैक की कॉल के बाद जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो सारा का सारा रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ तक बच्चों बस बताएं, अगर आपको ये फर्स्ट वेरिएशन समझ आ गई है तो बाकी कुछ नहीं है। इसकी वर्किंग समझ आई है? एग्जैक्ट करता क्या है? कॉलर प्रोसेस को रिप्लेस कर देता है विद द इमेज ऑफ न्यू प्रोग्राम। वो प्रोग्राम का नाम आप खुद स्पेसिफाई करते हैं कि किस प्रोग्राम की इमेज से आपने रिप्लेस करना है। अगर वो प्रोग्राम एग्जिस्ट करता होगा तो एग्जैक्ट की कॉल सक्सेसफुल हो जाएगी और उसके बाद वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर किसी वजह से एग्जैक्ट की कॉल सक्सेसफुल नहीं होती, मैं इसमें जानबूझ के कोई एरर डाल रहा हूँ, मैं फाइल का नेम गलत दे रहा हूँ, ls1 दे रहा हूँ, कंट्रोल एस, अब देखते हैं क्या होगा। कंपाइल किया प्रोग्राम और स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ पहले, और अब रन करता हूँ प्रोग्राम। बिफोर एग्जैक कॉल, उसके बाद एग्जैक की कॉल फेल हो गई। अब चूंकि हमने यहाँ पर वैलिडेशन नहीं की हुई, इसने -1 रिटर्न किया होगा। आपको पता है कि सिस्टम कॉल जब जो कोई इंटीजर नंबर रिटर्न करती हो तो ऑन एरर -1 रिटर्न करती है। खैर, उस चीज़ को हमने कैटर ही नहीं किया, एग्जैक्ट की कॉल फेल हो गई।
अब अगर exec की कॉल फेल हो जाती है तो exec के बाद लिखा गया कोड एग्जीक्यूट होगा, कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगा। अगर exec की कॉल सक्सेसफुली इन्वोक हो जाती है तो फिर exec के बाद लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि पूरी इमेज ही रिप्लेस हो जाएगी, प्रोसेस सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कॉन्टेंट्स उसके सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, पीसीबी वैसा ही रहेगा उसका, पीसीबी में चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन उसकी जो मेमोरी इमेज है वो सारी की सारी रिप्लेस हो जाएगी विद द इमेज ऑफ न्यू प्रोग्राम। न्यू सर प्रोग्राम मीन्स आपने आपने जी बोले सर आपने एलएस रखा है अपने प्रोग्राम का नाम, हम कोई भी नाम रख सकते हैं और उसको जितने मर्जी आर्गुमेंट दे सकते हैं। नहीं, वो प्रोग्राम एग्जिस्ट करता हो ना डिस्क पे जी, मतलब वो पहले हमारे मेरे डेस्कटॉप पे वो प्रोग्राम पड़ा होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, वो प्रोग्राम होना चाहिए उसी उस पाथ पे जो पाथ आप दे रही हैं, कहीं भी हो सकता है प्रोग्राम डिस्क पे, लेकिन उसकी पाथ देनी है आपने। तो सर ये कैसा फंक्शन है सर, मतलब मेरे प्रोग्राम को हमने एक फंक्शन बना दिया है जिसमें हम लोगों ने से कहा है कि मुझे लिस्ट दिखा दे, लेकिन जो हमने लास्ट टाइम वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पढ़े थे वो तो हम लोग उसको जब एग्जीक्यूट करते हैं वहाँ जाके उस लाइन पे हम लोग लिखते थे आर्ग्यूमेंट सारे के कौन कौन से नहीं, यहाँ आपने एक तो देखें दो तरीके हैं ना, मैंने आपको बताया कि आपने प्रोग्राम को इन्वोक करना है, दो तरीके हैं, एक है यूज़र इंटरफेस, एक है प्रोग्रामर इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस से ये यूज़र इंटरफेस है, ये देखें ये यूज़र इंटरफेस मेरे सामने खुला हुआ है, मैंने ls लिख के एंटर किया, ये यूज़र इंटरफेस से मैंने लिस्ट ले ली, लेकिन यही काम मैं प्रोग्रामेटिकली करना चाहता हूँ। ओके ठीक है तो कैसे होगा, उसकी एप्लीकेशंस बहुत हैं आगे चल के आएंगी, आप देखेंगे इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, लेकिन यही काम मैं प्रोग्रामेटिकली करना चाहता हूँ, तो मुझे प्रोग्रामर का इंटरफेस मिला हुआ है, और वो इंटरफेस क्या है, सिस्टम कॉल्स। ठीक है ठीक है, तो और वो सर मैंने एक सिस्टम चीज और, जी जी सर बोले कि मैं अपने प्रोग्राम का लाइक टास्क वन लिखूं और साथ में सेकंड आर्गुमेंट -1 दे दूं तो वो मेरा ऐसे ही करेगा, सारी लिस्ट दिखा देगा मुझे मेरे प्रोग्राम की। सिंपल इज दैट कि जो आपने कमांड देनी है ना, जैसे मैंने मैंने अभी आपको बताइए, देखें ls इज द प्रोग्राम नेम, प्रोग्राम नेम, देन अगेन आर्गुमेंट 0, आप जो भी देती हैं आर्गुमेंट -l -a जो भी आप आर्गुमेंट दे रही हैं। अब इस ये काम कमांड लाइन में तो आप इस तरह कर रही हैं, आपने आर्गुमेंट्स देने हैं जितने चाहे दे दें, वही काम आपने प्रोग्रामेटिकली कैसे करना है, सबसे पहले आपने उस प्रोग्राम का नाम दे दें विद पाथ, ओके ठीक है, उसके बाद से फिर आपने आर्गुमेंट 0 से ऑनवर्ड देने हैं, और आर्गुमेंट 0 क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोग्राम नेम, ओके आर्गुमेंट 0 से ऑनवर्ड आपने सारे आर्गुमेंट जितने आपने देने हैं वो सारी देती चली जाए, लेकिन आखिर में कंपाइलर को बताने के लिए कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स एंड हो रही है, आप नल पास करते हैं। ठीक है ठीक है, अब देखिए मैंने टैब दबाकर सेपरेट कर लिया है, आर्गुमेंट्स को अलग कर लिया है और प्रोग्राम के नाम को अलग कर लिया है। अब ये जो प्रोग्राम का नाम है, पहले प्रोग्राम का नाम आया है विद पाथ, और उसके बाद वो आर्गुमेंट्स हैं जो कि इस प्रोग्राम को पास होने हैं, आपकी मर्जी, आप क्या पास करना चाहती हैं, इट्स अप टू यू। तो जो प्रोग्राम की फाइल है उसके अंदर क्या होगा, कौन सी प्रोग्राम की फाइल, तो जो ls की फाइल होगी उसके अंदर कुछ ब्लैंक होगी, बिल्कुल नहीं ब्लैंक तो नहीं होगी, ये तो एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल होगी जिसको आप शेल से एग्जीक्यूट कर सकते होंगे, जिस प्रोग्राम को आप यहाँ एग्जीक्यूट कर सकते हैं ना, देखें ये /bin/ls, ये तो एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल है ls, ls एक प्रोग्राम है जो कि लिस्ट शो करता है, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, तो कोई भी एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल जिसको आप शेल पे रन कर सकते हैं उसको आप प्रोग्रामेटिकली भी रन कर सकते हैं। इनके प्रोग्राम को रन करने के दो तरीके हैं, एक है थ्रू कमांड लाइन आर्गुमेंट्स और एक है थ्रू सिस्टम कॉल्स प्रोग्रामेटिकली। अब ऐसा प्रोग्राम जो कि शेल से रन हो सकता है वो प्रोग्राम से भी रन हो सकता है। सर अगर हमने कोई फाइल कंपाइल करवानी है दरमियान में अगर रन करते हैं तो बाकी जो प्रोग्राम है वो तो नहीं चलेगा। देखिए एग्जैक की कॉल के बाद जो कुछ है वो रन नहीं होगा,
अगर एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट इसको प्रोग्राम के आखिर में रन करें, मेरा ख्याल नहीं, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू कि आप करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अगर अगर से मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि बाद वाला कोड भी एग्जीक्यूट हो, तो क्यों ना मैं चाइल्ड प्रोसेस बना लूँ और एग्जैक्ट को चाइल्ड प्रोसेस के अंदर करूँ, जैसे करके दिखाता हूँ आपको। मैं यही कॉल यहाँ पे लिखता हूँ, इफ फोर्क इज इक्वल टू जीरो, ठीक। अब देखें, सिर्फ चाइल्ड प्रोसेस डिस्प्ले करेगा, अब आपको देखते हैं कि क्या नजर आएगा। कंपाइल किया और रन किया, इससे एक्चुअली वन लिखा हुआ है, ये वन नहीं। सर पीआईडी वाला करके नहीं लिखेंगे इसके साथ आप ऊपर फोर्क को? नहीं, इस तरह भी कर सकते हैं एक्चुअली, फोर्क रिटर्न कर रहा है आईडी और उस आईडी को साथ ही आप कंपेयर कर रहे हैं, तो आप कंडीशन में फंक्शन कॉल कर सकते हैं। आप ऐसे कर लें, आईडी से कर लें, नो प्रॉब्लम। वो तो मैंने फर्स्ट टाइम समझाने के लिए किया था, तो इट्स अप टू योर प्रोग्रामिंग स्किल्स कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं या उस तरह भी, आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने रन किया प्रोग्राम को, अब ये देखें, बिफोर एग्जेक कॉल आफ्टर एग्जेक कॉल, पेरेंट प्रोसेस ने ये एग्जीक्यूट किया और चाइल्ड प्रोसेस ने लिस्ट शो कर दी है। अगर आप पेरेंट प्रोसेस को रोकना चाहते हैं तो आप उसको यहां पर वेट की कॉल लगाकर सकते हैं। वेट की जो होती है हेडर फाइल, वो देख लेते हैं। दैट इज वेट डॉट अब देखिए, पेरेंट प्रोसेस ने पहले वेट किया चाइल्ड प्रोसेस के टर्मिनेट होने का, और आखिर में उसने आफ्टर एग्जेक कॉल शो किया, बिफोर एग्जेक कॉल एंड आफ्टर एग्जेक कॉल। तो हमने क्या किया, हमने चाइल्ड प्रोसेस की इमेज को रिप्लेस किया विद द एलएस प्रोग्राम, ताकि हमारा जो पेरेंट प्रोसेस है वो चलता रहे, वो रिप्लेस ना हो जाए। पहले क्या हो रहा था, पहले मैं पेरेंट पे अंदर ही कर रहा था कॉल एग्जैक्टली, जिसकी वजह से पेरेंट प्रोसेस पूरा रिप्लेस हो जाता था, डिस्ट्रॉय हो जाता था। अब मैंने चाइल्ड प्रोसेस बना लिया, इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है? एक एप्लीकेशन तो यह है कि आप अपना प्रोग्राम के अंदर, आपका मेन पर्पज कुछ हो रहा है लेकिन की सर्विसेज एक्वायर करनी है, से आपको सॉर्ट का प्रोग्राम पढ़ लिया आपने, सॉर्ट की कमांड? सर हमने मैन्युअली तो किया सॉर्ट। हाँ, मैन्युअली किया है। अब से आपके पास डाटा है, आपके पास एरे में डाटा पड़ा हुआ है, आपने उसको सॉर्ट करना है। एक तरीका तो यह है कि आप बैठ के कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम खुद लिखें, लाइक आप बबल सॉर्ट से कर लें या जो भी सॉर्टिंग आपको आती है आप उससे कर लें। दूसरा तरीका यह है कि क्यों, क्या जरूरत क्या है सॉर्ट लिखने की, जबकि सॉर्ट का प्रोग्राम हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है डिस्क पे। तो सिंपली आप एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करें और उससे सॉर्ट कर लें अपने डाटा को। अब आपने कमांड्स या प्रोग्राम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप उन प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आप ईजिली कर सकते हैं एग्जैक्टली कॉल के थ्रू। तो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेंगे और हम उसे डाटा पास कर सकते हैं, उसे डाटा ले सकते हैं, जो कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओके,
मतलब ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गई होगी कि एग्जैक्ट कैसे काम करता है। अब हम इसकी दूसरी वेरिएशन देख लेते हैं। एल वेरिएशन हमने देख ली है, अब आगे पी भी लग गया। एग्जैक्ट एल, एल मींस लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, पी फॉर पाथ, यानी कि अब आपको पाथ देने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट फाइल का नेम दें एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट। अब देखें इस फंक्शन को फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, फाइल नेम, वो पाथ पे खुद ही सर्च कर लेगा। अच्छा पाथ होता क्या है, पाथ ये है कि हम उन्हें शेल को डायरेक्टरीज पहले से बता देते हैं कि जो भी हम प्रोग्राम का नाम लिखेंगे वो सबसे पहले इन डायरेक्टरीज में चेक करना, अगर यहाँ मिल जाता है तो उन्हें उसे वहाँ से एग्जीक्यूट कर देना। नॉर्मली जो सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोवाइड किए होते हैं, जितनी कमांड्स हैं, अब वो पड़ी तो बिन के की डायरेक्टरी में है, लेकिन हम उन्हें कॉल कहीं से भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वो बिन की जो डायरेक्टरी है वो पाथ के ऊपर है, पाथ एक एनवायरनमेंट वेरिएबल है, उसके अंदर हमने तमाम डायरेक्टरीज ऐड की हुई हैं, उसमें बिन की डायरेक्टरी भी है। तो जब भी हम कोई कमांड लिखते हैं तो शेल खुद जाके पहले पाथ पे सर्च करता है कि पाथ पे मौजूद जो डायरेक्टरीज हैं उनमें तो नहीं ये प्रोग्राम एग्जिस्ट कर रहा, अगर उनमें से किसी में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे वहाँ से एग्जीक्यूट कर दो, अगर कहीं नहीं मिलता तो फिर वो एरर देगा कि नॉट फाउंड। तो पी वेरिएशन से हमें ये फायदा हुआ कि अब हमें एब्सोल्यूट पाथ देने की जरूरत नहीं है, एब्सोल्यूट यानी कि हमें पाथ खुद बताने की जरूरत नहीं है, वो पाथ पे खुद ही सर्च कर लेगा, पाथ पे सिर्फ सर्च करेगा। ओके दूसरी वेरिएशन यूज करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। LP. इसमें ये पाथ देने की जरूरत नहीं है मुझे, और ये काम आप तभी करेंगे जब आपका प्रोग्राम आपको यकीन हो कि वो पाथ पर अवेलेबल होगा। कंपाइल किया प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, अब मुझे पाथ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं ये पी वेरिएशन हटा देता हूँ, पी का वर्ड हटा देता हूँ, एल वेरिएशन में बगैर पाथ के एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। उसने पाथ पे सर्च ही नहीं किया, उसे एब्सोल्यूट पाथ चाहिए यहाँ पर, यानी कि उसे पाथ रिक्वायर्ड है, आपको उसकी लोकेशन बतानी है कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है प्रोग्राम। लेकिन अगर पी वेरिएशन है तो फिर वो पाथ पे खुद ही सर्च कर लेगा। यहाँ तक बताएं, कुछ चीज समझ पाएं? वेरिएशन है जिसके अंदर L की जगह V आ गया, यानी कि फर्स्ट वाली वेरिएशन की अब में जो L था वो रिप्लेस हो गया V से। V का मतलब है कि आप वेरिएबल पास करते हैं आर्गुमेंट्स का, आपको लिस्ट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, एक एक आर्गुमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर वो आर्गुमेंट्स आपके पास एरे की फॉर्म में हैं, से आपने प्रोग्राम में यूजर से रिसीव किया एरे, उसी एरे को आगे पास कर सकते हैं। सर फाइल पॉइंटर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, यानी
नॉर्मल पॉइंटर की तरह ही क्रिएट हम करेंगे फाइल पॉइंटर चार स्टैटिक फाइल नहीं ये फाइल पॉइंटर तो नहीं है तो कैरेक्टर पॉइंटर है फाइल तो नेम है उसका इनके फाइल से नेम है आपने पास करना है तो कैरेक्टर पॉइंटर एक्चुअली इसमें सारे कैरेक्टर पॉइंटर हैं अब वी में देखें थर्ड वेरिएशन देखें एल की जगह हमने वी लिख दिया है एल का मतलब है कि आपने अलग अलग आर्गुमेंट्स लिखना आर्गुमेंट लिखने थे कॉमा सेपरेटेड अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है जस्ट आप जो एरे आपने अगर आप एरे खुद भी फॉर्म कर सकते हैं या अगर यही एरे आपको मेन से रिसीव हुआ है मेन फंक्शन से वो एज इट इज़ आगे पास कर सकते हैं और एरे नल टर्मिनेटेड होगा ये वही एरे होगा जो कि हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में हमने जो एरे देखा था ये वही एरे है आप वो पास करते हैं इसे खुद बना के पास कर दें या जैसे रिसीव हुआ है वैसे ही आगे पास करते हैं इसी तरह जो फोर्थ वेरिएशन है उसमें वी के साथ पी लग गया है पी का मतलब वही है कि आपको बात देने की ज़रूरत नहीं है आप सिंपली फाइल का नेम लिख दें तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अब इसकी काफ़ी वेरिएशंस हैं मेरे ख्याल में 9 वेरिएशंस हैं उनमें से मैं आपको 4 करवा रहा हूँ जो कि हमने यूज़ करनी है कॉन्सेप्ट सारे वही हैं जस्ट पाथ देनी है आपने या लिस्ट ऑफ पैरामीटर आर्गुमेंट्स देने हैं या वेरिएबल के थ्रू पास कर देने हैं तो ये 4 वेरिएशंस जो हैं ये आपको याद होनी चाहिए ये फिंगर टिप्स होनी चाहिए इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है सर जी किसी एक वेरिएशन से भी नहीं पता होता क्या है आपको बाज़ुकात आपको लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स कंपाइल टाइम पे नहीं मालूम होती जैसे अभी मुझे मालूम थी आपको कंपाइल टाइम पे नहीं मिलती जब आप कोड लिख रहे हैं आपको नहीं पता कि यूजर क्या आर्गुमेंट्स पास करेगा वो आर्गुमेंट्स कहीं और से आ रहे हैं आप नहीं जानते कंपाइल टाइम पे आप नहीं जानते कंपाइल टाइम का मतलब यह है कि जब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आप नहीं जानते कि इस प्रोग्राम को आर्गुमेंट्स क्या पास करने इवन आप ये भी नहीं जानते कि प्रोग्राम का नेम क्या है वो प्रोग्राम रन टाइम पे डिसाइड होना है कि उसका नेम क्या है या वो यूज़र ने इनपुट करना है जब प्रोग्राम का नेम यूज़र ने देना है और आर्गुमेंट्स भी यूज़र ने देने हैं तो आप तो नहीं जानते फिर इसका मतलब है कि फर्स्ट वेरिएशन एल वाली तो यूज़ नहीं हो सकती तो फिर आपको वी वेरिएशन यूज़ करनी पड़ेगी जाहिर है कि फिर वो एरे जो भी यूज़र देगा वो पास करना होगा ओके पी वेरिएशन की बात करता हूँ पी वेरिएशन आप तब यूज़ करेंगे जब आप कोई बिल्टन फंक्शन बिल्टन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो कि शेल के अंदर मौजूद है अगर आपका कोई अपना प्रोग्राम है तो फिर आप पी वेरिएशन तो यूज़ नहीं कर सकते फिर आपको एब्सोल्यूट पाथ देनी होगी कि आपका प्रोग्राम कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है जिसको आपने इन्वोक करना है तो इट डिपेंड्स के एप्लीकेशन क्या है क्लियर है ये चारों में से कौन सी वेरिएशन आपने यूज़ करनी है वो तो सिनेरियो पे डिपेंडेंट है तो डिपेंड करता है कि आप करने का जा रहे हैं अगर आपको आप पता है ओके आपको फाइल का नेम भी पता है और लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स आपको कंपाइल टाइम पे पता है तो फाइन फिर तो ज़रूरत नहीं है फिर तो आप फर्स्ट वेरिएशन यूज़ कर लें एल वाली या पी वाली तब कर लें अगर आपको पता है कि वो प्रोग्राम पाथ पे एग्जिस्ट कर रहा है अगर पाथ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर ज़रूरत फिर तो आपको एल वाली वेरिएशन ही यूज़ करनी पड़ेगी तो ये 4 हैं जो बहुत ज़रूरी हैं ये आपको आनी चाहिए इस्तेमाल कर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं सर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें हमें वेट के अंदर पैरामीटर पास करना पड़ जाए जिस तरह अभी हमने मैंने नल पास किया है ना अगर मैं स्टेटस गेट करना चाहता हूँ अभी मैंने स्टेटस नहीं गेट करना चाहता अगर आप उसका स्टेटस गेट करना चाहते हैं तो आप उसको फिर इंटीजर वेरिएबल पास करके इंटीजर पॉइंटर पास करके उसका स्टेटस गेट कर सकते हैं वो आप देख लीजिएगा मेन पेज में जैसे उसकी डिक्लेरेशन है
नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टर्स इन अ प्रोग्राम इन अ प्रोसेस. अब होता ही है कि जब भी आप किसी फाइल को ओपन करते हैं तो आपको एक पॉइंटर रिटर्न होता है, वो पॉइंटर उस फाइल का हैंडल होता है. मींस कि जब भी आपने उस फाइल को एक्सेस करना है, उसके ऊपर रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपको उसी पॉइंटर के थ्रू ही वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे. अब यहाँ पर एक नई चीज़ आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टर. अब आप यूनिक्स के अंदर कोई भी फाइल ओपन करेंगे, डिवाइस ओपन करेंगे, आपको पॉइंटर की जगह एक एक इंटीजर वैल्यू दी जाएगी, दैट इज कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टर. और डिस्क्रिप्टर के थ्रू ही हम उस फाइल या डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करेंगे. अब जैसे जैसे आप फाइल्स ओपन करते चले जा रहे हैं, डिवाइसेस ओपन करते चले जा रहे हैं, तो डिवाइस जो डिस्क्रिप्टर्स हैं वो इंक्रीमेंटल ऑर्डर में आपको मिलते चले जा रहे हैं. अब किसी भी प्रोसेस के अंदर तीन डिस्क्रिप्टर्स जो होते हैं, फर्स्ट थ्री डिस्क्रिप्टर्स उनकी फिक्स्ड मीनिंग्स हैं बाई डिफॉल्ट. जीरो, डिस्क्रिप्टर नंबर जीरो अटैच है कीबोर्ड के साथ, मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस. अगर मैं डिस्क्रिप्टर नंबर जीरो को रीड कर लूं, तो इसका मतलब है कि मैं कीबोर्ड से रीड कर रहा हूं. अगर मैं डिस्क्रिप्टर नंबर वन पे राइट करूं, तो इसका मतलब है कि मैं स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस के ऊपर राइट कर रहा हूं. और इसी तरह डिस्क्रिप्टर नंबर टू पे अगर राइट करूं, तो इसका मतलब है कि मैं स्टैंडर्ड एरर डिवाइस पर राइट कर रहा हूं. अब स्टैंडर्ड आउटपुट और एरर में थोड़ा सा फर्क होता है. नॉर्मली हम प्रोग्राम की जो स्टैंडर्ड आउटपुट होती है उसको प्रिंट एफ से डिस्प्ले करते हैं, लेकिन अगर कोई एरर मैसेज है तो एरर मैसेज को प्रिंट एफ से डिस्प्ले नहीं करते, बल्कि उसके लिए सेपरेट फंक्शन यूज करते हैं पी एरर का. इसलिए करते हैं कि यूज़र आइसोलेट कर सके कि स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है और एरर मैसेजेस कौन से हैं. उन दोनों में डिफरेंशिएट कर सके, दोनों को सेपरेट कर सके. ओके, अभी आपको ये समझना है कि किसी भी प्रोसेस के साथ कुछ एक डिस्क्रिप्टेड टेबल एसोसिएटेड होता है और पीसीबी में उसका पॉइंटर होता है. अब जो पहले तीन डिस्क्रिप्टर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं हर प्रोसेस में, 0, 1, 2. जब भी प्रोसेस क्रिएट करते हैं आप, तो उसके अंदर ये जो तीन डिस्क्रिप्टर्स होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं. यानी कि 0 अटैच होता है कीबोर्ड से स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से, 1 स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस से, और 2 स्टैंडर्ड एरर डिवाइस से. इन तीनों के मीनिंग्स को चेंज कर सकते हैं, आप इनको ओवरराइड कर सकते हैं. आप चाहते हैं कि नहीं, डिस्क्रिप्टर नंबर वन जो है वो वैसे तो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस के साथ है, लेकिन मैं इसकी मीनिंग चेंज करता हूँ, मैं इसको मैप कर देता हूँ किसी डिवाइस पे या किसी फाइल पे. इसका मतलब है कि जब भी मैं डिस्क्रिप्टर नंबर वन पे राइट करूँगा तो वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा, फाइल में राइट होगा. आगे चलते हैं, आपको क्लियर होगा. डिस्क्रिप्टर्स को राइट करने के लिए, किसी भी डिस्क्रिप्टर पर राइट करने के लिए हमारे पास सिस्टम कॉल है राइट की. फर्स्ट पैरामीटर है फाइल डिस्क्रिप्टर, यानी कि किस डिस्क्रिप्टर का नाम है जिसको वो नंबर जिस पर आप राइट करना चाहते हैं. सेकंड पैरामीटर इज द बफर, यानी कि क्या डाटा आप राइट करना चाहते हैं, वो बफर में अपने बफर का एड्रेस पास करना है यहाँ पर, कि ये डेटा आप उस डिस्क्रिप्टर पर राइट करना चाहते हैं और कितने बाइट्स राइट करना चाहते हैं. थर्ड पैरामीटर में आप काउंट बताना है. यहाँ पे आपको जो टाइप नजर आ रही है दैट इज साइज टी. मींस के डिजिट टाइप है ये एक.
आप उसकी लेंथ बता सकते हैं बफर की, कि बफर की इतनी लेंथ है, इतने बाइट्स यहाँ से रीड करो, बफर के इतने बाइट्स को आप डिस्क्रिप्टर पर राइट कर दो। तो राइट की सिस्टम कॉल क्या करती है, किसी भी डिस्क्रिप्टर पे डाटा राइट करती है। वो डाटा कहाँ पड़ा होगा, वो बफर में पड़ा होगा। बफर यानी कि कोई एरे हो सकता है, एरे में पड़ा होगा। आप एरे का एड्रेस पास कर दें, एरे को बाय रेफरेंस पास कर दें, क्योंकि बाय रेफरेंस ही पास होती है हमेशा। और आप काउंट बता दें कि वहाँ से एरे का साइज क्या है, तो क्या करेगा, जो भी आप साइज बताएंगे उतने बाइट्स एरे से पिक करेगा और डिस्क्रिप्टर पर राइट कर देगा। अगर डिस्क्रिप्टर को रीड करना है तो रीड की सिस्टम कॉल है, इसमें भी आप डिस्क्रिप्टर बताएंगे जिस डिस्क्रिप्टर को रीड करना है, और रीड करके किस जगह राइट करना है उस बफर का एड्रेस भी पास कर देंगे कि इस बफर में राइट करना है, और कितने बाइट्स राइट करने हैं उसका काउंट आप थर्ड पैरामीटर में पास कर देंगे। ओके, आपने कहा कि डिस्क्रिप्टर से रीड करने हैं 100 बाइट्स, अवेलेबल थे 50 बाइट्स, तो जितने अवेलेबल होंगे वो उतने रीड करेगा डिस्क्रिप्टर से और बफर में राइट कर देगा, और उसका काउंट रिटर्न कर देगा कि 50 रीड हुए एक्चुअली। इसी तरह राइट के केस में भी, आपने राइट करने को कहा 100 बाइट्स, डिस्क फुल हो गई, अभी 90 बाइट्स ही राइट हुए थे, डिस्क फुल हो गई, तो वो काउंट आपको 90 रिटर्न कर देगा। इसका मतलब है कि सिर्फ 90 बाइट्स ही राइट हुए हैं, 100 नहीं हो सके। तो ये दो सिस्टम कॉल्स हमने देखी हैं, रीड एंड राइट, जो कि किसी डिस्क्रिप्टर को रीड या राइट करने के लिए यूज होती है। अब एक प्रोग्राम देखते हैं जो कि किसी डिस्क्रिप्टर से रीड करे। पहले हम डिस्क्रिप्टर नंबर 0 से रीड करते हैं, रीड की सिस्टम कॉल, फर्स्ट पैरामीटर इज द फाइल डिस्क्रिप्टर, डिस्क्रिप्टर नंबर 0। ओके, डिस्क्रिप्टर नंबर 0 से रीड किया, और राइट कहाँ करना है, किसी बफर में, तो एक हम एरे बना लेते हैं, उसको पास कर दिया, एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, कैरेक्टर एरे ऑफ 100 एलिमेंट्स। एरे हमेशा बाय रेफरेंस पास होती है, तो एम्परसेंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर लगा देंगे तो मतलब बदल जाएगा। ओके, कितने बाइट्स रीड करने, 100 बाइट्स रीड करने। अब ये रीड की कॉल कर क्या रही है, डिस्क्रिप्टर नंबर 0 से 100 बाइट्स रीड करेगी और एरे में राइट करवा देगी। अब हमने उसे रिक्वेस्ट किया कि 100 बाइट्स रीड करने, ये एक्चुअली अपर लिमिट हमने बता दी है, 100 से ज़्यादा वो रीड नहीं करेगी, लेकिन कम रीड हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि रीड की कॉल फेल हो जाए, वो डिस्क्रिप्टर क्लोज हो चुका हो, वो डिस्क्रिप्टर एग्जिस्ट ना करता हो, तो वो -1 रिटर्न कर देगी एरर के केस में। अदरवाइज जो नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न करेगी, जितने उसने एक्चुअली डिस्क्रिप्टर से रीड किए हैं, तो हम यहाँ पर किसी इंटीजर वेरिएबल n के अंदर स्टोर कर देते हैं कि n बाइट्स, कितने बाइट्स रीड हुए हैं वो हमें पता लग जाए, उसका काउंट हमारे पास आ जाए और वो हम यूज़ कर सकें आगे। तो अब तक मैंने क्या किया, मैंने रीड की सिस्टम कॉल को 0 पास किया है एज ए फाइल डिस्क्रिप्टर, इसका मतलब है कि मैं डिस्क्रिप्टर नंबर 0 को रीड कर रहा हूँ, और डिस्क्रिप्टर नंबर 0 जो है वो कीबोर्ड के साथ अटैच्ड है, यानी कि कीबोर्ड पर मैप हुआ है। डिस्क्रिप्टर नंबर 0 से डाटा रीड होगा,
और एरे में राइट हो जाएगा और कितने बाइट्स मैंने रिक्वेस्ट की है, 100 bytes, 100 bytes की रिक्वेस्ट की है कि 100 bytes मुझे रीड करने हैं। कम भी रीड हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। तो जितने एक्चुअली रीड होंगे उसका काउंट रीड की सिस्टम कॉल रिटर्न कर देगी और उसको मैंने यहाँ पर n वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया। अब मैं साथ ही राइट की सिस्टम कॉल भी यूज़ कर लेता हूँ। राइट की सिस्टम कॉल राइट करती है किसी भी डिस्क्रिप्टर के ऊपर, मैं डिस्क्रिप्टर नंबर 1 दे रहा हूँ कि डिस्क्रिप्टर नंबर 1 के ऊपर राइट करना है क्या, अरे कितने बाइट्स, n बाइट्स, n क्या है, जितने मैंने रीड किए हैं मैं उतने राइट कर रहा हूँ। अगर मैं n नहीं देता, 100 दे देता हूँ तो फिर वो सारा गार्बेज भी प्रिंट हो जाएगा जो कि अरे में पड़ा हुआ है। और समझ आया जितना मैंने अब तक लिखा है? ओके, इसको अब रन करके देखते हैं। कंपाइल हो गया एंड 4 dot क्या मैंने प्रोग्राम के लिए 4.1 dot out नाम है इसका। अब देखिए डिस्क्रिप्टर नंबर 0 से रीड कर रहा है, वेट कर रहा है। जब तक डेटा हम नहीं देंगे तब तक ये वेट करता रहेगा। मैं यहाँ पे कोई डाटा दे रहा हूँ लाइक अब मैं जैसे ही एंटर करूँगा ये हेलो रीड की सिस्टम कॉल रीड कर लेगी और एरे में राइट कर देगी। मैंने एंटर प्रेस किया, रीड की सिस्टम कॉल ने हेलो को रीड किया एरे में राइट किया। अब कितने करेक्टर्स रीड हुए हैं उसका काउंट भी उसने रिटर्न किया है। 5 करेक्टर्स रीड हुए हैं यानी कि 5 बाइट्स रीड हुए हैं। ओके, उसके फौरन बाद मैंने राइट की कॉल कर दी, डिस्क्रिप्टर नंबर 1 पे राइट किया, एरे पास किया और मैंने वो काउंट पास कर दिया कि इतने बाइट्स राइट करने हैं। अब वो काउंट क्या था, n, n इज 5, तो 5 कैरेक्टर डिस्प्ले हो गए। अगर मैं n नहीं देता, मैं यहां पे पूरा साइज दे देता हूं दैट इज 100, अब क्या होगा, फाइल रन, हेलो। अब देखिए 100 bytes पूरे राइट हुए हैं, हेलो के बाद वो जो गार्बेज पड़ा हुआ था वो भी डिस्प्ले हो गया। प्रिंट एफ जब हम कॉल करते हैं तो एक्चुअली वो अपनी डेफिनेशन के अंदर राइट की सिस्टम कॉल को यूज़ करता है और डिस्क्रिप्टर नंबर 1 पे राइट करता है। जब हम स्कैन एफ करते हैं कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए तो एक्चुअली रीड की सिस्टम कॉल इन्वोक होती है और वो डिस्क्रिप्टर नंबर 0 से रीड करके देती है। आप कोई डिवाइस ओपन कर लें, कोई भी डिवाइस, तो आपको एक डिस्क्रिप्टर मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्टर के साथ रीड राइट आप ही नहीं रीड और राइट की सिस्टम कॉल से कर सकते हैं।
किसी फाइल को ओपन कर लें, अगेन आपको एक डिस्क्रिप्टर मिल जाएगा और उस फाइल में राइट आप इस राइट की सिस्टम कॉल और रीड रीड की सिस्टम कॉल से कर सकते हैं। तो फर्स्ट थ्री डिस्क्रिप्टर्स फिक्स्ड हैं। अब मैं डिस्क्रिप्टर नंबर टू की बात कर लेता हूँ। ओके, मैं इसे टू पे राइट करवाता हूँ वन की जगह। Compile and run. Input the hello. Output again screen पे display हो रही है, लेकिन मैं तो descriptor number 2 पे write करवा रहा हूँ, that is standard error device. और standard error device भी actually terminal ही है, तो फिर फायदा क्या हुआ? अगर standard output device भी terminal है, standard error device भी terminal है, तो फायदा क्या हुआ? फायदा इस तरह बताता हूं, हम दो डिस्प्ले करते हैं, एक हम एरर डिस्प्ले कर लेते हैं, मैं रीड को अब खत्म कर लेता हूं। ओके, मैं दो राइट की कॉल कर रहा हूं, एक राइट की कॉल कर रहा हूं डिस्क्रिप्टर नंबर वन पे और यहां पर मैं कोई मैसेज डिस्प्ले कर देता हूं, बी हेलो, और इसका काउंट यहां पर खुद बता देता हूं, इट इज 5। और डिस्क्रिप्टर नंबर 2 पे राइट कर देता हूं, ओके हेलो डबल कोट में, और डिस्क्रिप्टर नंबर 2 पे राइट करवा देता हूं एरर, कैरेक्टर्स हैं इसमें भी 5 है तो 5। अब देखें, डिस्क्रिप्टर नंबर 1 भी टर्मिनल पे राइट करेगा, डिस्क्रिप्टर नंबर 2 भी टर्मिनल पे ही राइट करेगा। ओके, सेव किया, कंपाइल किया और रन किया, स्क्रीन पे हेलो भी नजर आया और एरर भी नजर आया। तो फिर दोनों के डिस्क्रिप्टर्स को अलग अलग करने का क्या फायदा? हमने फिर कहा था कि एरर को हमेशा टी एरर के फंक्शन से डिस्प्ले करवाएं ताकि वो डिस्क्रिप्टर नंबर 2 पे राइट हो, और स्टैंडर्ड आउटपुट को प्रिंट एफ से डिस्प्ले करवाएं ताकि वो डिस्क्रिप्टर नंबर 1 पर आउट हो, राइट हो। अब इसका फायदा क्या है, वो फायदा देखते हैं। प्रोग्रामर स्टैंडर्ड आउटपुट को और एरर्स को दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकता है, किस तरह? प्रोग्राम का नेम है, मैं इसकी प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो रीडायरेक्ट करवा रहा हूं फाइल में रीडायरेक्शन ऑपरेटर से। ओके, मैंने रीडायरेक्शन ऑपरेटर लगाया, दिस इज ग्रेटर देन, कि इसकी जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो चली जाए आउटपुट डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर, एंटर किया, आउट रख लेता हूँ। ओके, आउटपुट डॉट टेक्स्ट फाइल एग्जिस्ट कर रही थी, उस पर परमिशन नहीं थी तो इसलिए उसने एरर दिया, मैंने फाइल का नेम डिफरेंट कर लिया। अब देखें, मुझे स्क्रीन पे सिर्फ एरर नजर आया, हेलो नजर नहीं आया, हेलो कहाँ गया? फाइल को डिस्प्ले करके देखते हैं, आउट डॉट टेक्स्ट, कैट से आप किसी फाइल को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो देखें, वो जो स्टैंडर्ड आउटपुट हेलो थी वो फाइल में राइट हो गई थी, लेकिन जो एरर था वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। अब मैं दोनों को फाइल में राइट कर सकता हूँ, कैसे? फाइल का नेम 41.out, स्टैंडर्ड आउटपुट रीडायरेक्ट हो जाए out1.txt में, और जो एरर्स हैं वो सेपरेट फाइल में चले जाएं errors.txt। अब देखें, मैंने पहले
रीडायरेक्ट की, अब उसके साथ वन लिखना जरूरी नहीं है रीडायरेक्शन ऑपरेटर के साथ, जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उसको आप रीडायरेक्शन ऑपरेटर लगाकर, ग्रेटर देन का ऑपरेटर लगाकर कर सकते हैं, उससे पीछे वन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा कोई डिस्क्रिप्टर है तो फिर आपको उसका नंबर भी लिखना होगा ताकि वो अकॉर्डिंगली उसको रीडायरेक्ट करे। अब इस कमांड का मतलब यह है कि इस प्रोग्राम की जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो आउटपुट आउट वन डॉट टेक्स्ट में चली जाए और जो एरर्स हैं वो एरर्स डॉट टेक्स्ट में चले जाए, ताकि मुझे आउटपुट अलग से मिले और एरर मैसेजेस सारे अलग से नजर आए। एंटर किया, अब रीडायरेक्शन हो गई है। अब दोनों फाइल्स को मैं डिस्प्ले करवा के देख लेता हूँ। आउट वन डॉट टेक्स्ट के अंदर हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट पड़ी हुई है, दैट इज हेलो, और एरर्स डॉट टेक्स्ट के अंदर एरर्स पड़ेंगे। तो दोनों आइसोलेट हो गए। अगर मैंने एक ही डिस्क्रिप्टर पे दोनों राइट किए होते, स्टैंडर्ड आउटपुट भी वन पे राइट की होती और एरर मैसेजेस भी डिस्क्रिप्टर वन पे राइट किए होते, फिर यहां पर मैं आइसोलेट नहीं कर सकता था। क्लियर है यहां तक? बताएं दोनों में फर्क वाजिया हुआ, डिस्क्रिप्टर नंबर वन और टू में क्या फर्क है? यस सर। तो हमेशा आप जो एरर मैसेजेस हैं वो पी एरर का फंक्शन है उसको यूज करते हुए डिस्प्ले करेंगे और स्टैंडर्ड जो आउटपुट है वो प्रिंट एफ के फंक्शन को यूज करते हुए डिस्प्ले करवाएंगे। और वो बैकएंड पे क्या कर रहे होंगे, जो पी एरर का फंक्शन है वो डिस्क्रिप्टर नंबर टू पे राइट करवा रहा होगा और प्रिंट एफ का फंक्शन डिस्क्रिप्टर नंबर वन पे राइट करवा रहा होगा। सर ये एरर वाली चीज समझ नहीं आई। क्या नहीं समझ आया सर? ये जिस तरह आपने इसको करके दिखाया ना, लाइक वो फाइल के साथ आपने वो जो यूज किया है, मतलब उसके नाम के आगे आउटपुट डॉट टेक्स्ट करके, ये आपने क्यों किया और इसमें क्या किया ये समझ नहीं आई। मैंने एक प्रोग्राम लिखा, मैं चाहता हूँ उस प्रोग्राम की जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो अलग शो हो और जो एरर मैसेजेस हैं वो अलग हों, तो उनको अलग करने के लिए मैंने रीडायरेक्शन ऑपरेटर यूज किया है। तो जो आउटपुट है, जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो मैंने अलग फाइल में रखवाई है जिसका नाम है आउट वन डॉट टेक्स्ट, और जो एरर मैसेजेस हैं वो एरर्स डॉट टेक्स्ट के अंदर राइट करवाएं। इन दोनों को आइसोलेट करने का तरीका मैंने आपको ये बताया कि एक तो रीडायरेक्शन ऑपरेटर है और एक दूसरा भी रीडायरेक्शन ऑपरेटर है, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्टर लगेगा कि कौन से डिस्क्रिप्टर को आप आइसोलेट कर रहे हैं। तो अगर आप दो डिफरेंट डिस्क्रिप्टर्स पर अपने मैसेजेस राइट करवाएंगे तो आप उनको उन डिस्क्रिप्टर्स की मदद से रिप्लेस आइसोलेट कर सकते हैं मैसेजेस को, वरना नहीं कर सकते। अब देखिए मैं चाहता हूं कि जो डिस्क्रिप्टर नंबर वन पर, मैं दोबारा करके दिखा रहा हूं सिर्फ इतनी चीज कि ये हमारा फोर वन डॉट आउट प्रोग्राम है, मैंने इसको रन किया, मुझे एरर भी और स्टैंडर्ड आउटपुट भी स्क्रीन पर डिस्प्ले हुई है। मैं चाहता हूं कि आउटपुट स्क्रीन पे नजर आए लेकिन एरर मैसेजेस जो हैं वो किसी फाइल में राइट हो जाए, फिल्टर आउट हो जाए। तो सिंपली इसको एरर मैसेजेस को मुझे बताया कि एरर मैसेजेस हमेशा डिस्क्रिप्टर नंबर टू पे राइट किए गए होंगे, नॉर्मली वो डिस्क्रिप्टर टू पे राइट किए जाते हैं, तो मैं उसको यहाँ पर फिल्टर कर सकता हूँ, ये राइट हो जाए एरर डॉट टेक्स्ट फाइल में। अब क्या हुआ, फोर वन डॉट आउट प्रोग्राम रन होगा, ये प्रोग्राम डिस्क्रिप्टर नंबर टू पे जो भी राइट कर रहा होगा वो रीडायरेक्ट हो जाएगा एरर डॉट टेक्स्ट फाइल में। एंटर किया, स्टैंडर्ड आउटपुट आपको नजर आया हेलो। इस प्रोग्राम की जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो तो आपको स्क्रीन पे नजर आ गई,
क्योंकि उसको मैंने रिडायरेक्ट नहीं किया, लेकिन एरर मैसेज जो था वो आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आया, उसको मैंने रिडायरेक्ट करवा दिया फाइल में। हम दोनों को भी फाइल में रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। कैसे? out.text। अब स्क्रीन पे कुछ भी नजर नहीं आया। डिस्क्रिप्टर नंबर 1 पे जो कुछ था वो out.text में चला गया, जो डिस्क्रिप्टर नंबर 2 पे राइट हो रहा था वो error.text फाइल में चला गया। अब इन फाइल्स को आप सेपरेटली डिस्प्ले करके देख लें। cat.text cat space out.text यस सर समझ आ गया। देखिए और cat error.text, तो ये क्यों हुआ है? ये इसी वजह से हमने आइसोलेट हम सिर्फ इसलिए कर पाए कि दो सेपरेट डिस्क्रिप्टर पे राइट हो रहे थे। अगर एक ही डिस्क्रिप्टर पे राइट हो रहे होते तो फिर हम सेपरेट ना कर पाते जी। अगर हम राइट की कॉल में जीरो डिस्क्रिप्टर यूज करते हैं तो वो फिर एरर हमें देगा? नहीं, एक्चुअली वो उस डिस्क्रिप्टर पे फिर राइट करवाने की कोशिश करेगा। कुछ डिस्क्रिप्टर्स ऐसे होते हैं जो रीड राइट दोनों को सपोर्ट करते हैं। जैसे फाइल का डिस्क्रिप्टर है तो फाइल को आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा देखते हैं, अगेन आप करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्टर नंबर 0 पे राइट करके देख लीजिएगा क्या मिलता है। ओके, आपको ये क्लियर हो गया कि डिस्क्रिप्टर किसी भी प्रोग्राम के अंदर मैक्सिमम 1024 डिस्क्रिप्टर्स हो सकते हैं। तो 3 बाय डिफॉल्ट होते हैं 012। अब मैं किसी फाइल को ओपन करूंगा तो डिस्क्रिप्टर नंबर 3 असाइन हो जाएगा उसे, डिवाइस को ओपन करता हूं 4 हो जाएगा साइन, एंड सो ऑन। वो इंक्रीमेंटल ऑर्डर में साइन होते चले जाएंगे। तो ये आप अगर स्लाइड पे इमेज को देखें तो 0 पर मैप हुई हुई है कीबोर्ड और 102 पर मैप हुए में टर्मिनल। और इसका जो पॉइंटर होता है वो पीसीबी के पास होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम डिस्क्रिप्टर के मीनिंग्स को ओवरराइड कर सकते हैं, अगर ओवरराइड करें यानी कि इनकी मैपिंग को चेंज करें और उसके बाद एग्जैक की कॉल करते हैं, तो एग्जैक की कॉल पीसीबी को चेंज नहीं करती, पीसीबी को मॉडिफाई नहीं करती। तो इससे हम काफ़ी यूजफुल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जो कि हम कमिंग लेक्चर्स में करेंगे। लैब तक का वेट ना कीजिएगा, आपकी जो कमिंग लैब है वो 4 के ऊपर है, प्रोसेस क्रिएशन पे है, लेकिन लैब तक का वेट ना कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस आपने आज ही करनी है। ओके, राइट की सिस्टम कॉल और रीड की सिस्टम कॉल एंड ऑफ फाइल पे 0 रिटर्न करती है। आप एक ऐसी फाइल को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका एंड ऑफ फाइल आ चुका है। हर टेक्स्ट फाइल के आखिर में एंड ऑफ फाइल होता है, एक करेक्टर होता है जिसे हम कहते हैं एंड ऑफ फाइल। वो इंडिकेट करता है कि ये फाइल यहाँ पर एंड हो चुकी है, मजीद रीड नहीं हो सकती। अगर आप उसको रीड करने की कोशिश करेंगे किसी फाइल को जिसका एंड ऑफ फाइल आ चुका है, तो इंस्टेंटली 0 रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह जब वो वैसा सिनेरियो आएगा एंड ऑफ फाइल का, फिर हम डिटेल में देखेंगे कि ये किस तरह बिहेव करती है रीड और राइट की सिस्टम का। जब आपने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया, P1 पेरेंट प्रोसेस था, आपने 4 की कॉल करके चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया, P2 दोनों क्रिएट हो गए। अब इन दोनों के दरमियान कोई भी कम्युनिकेशन चैनल एग्जिस्ट नहीं करता, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते।
ग्लोबल वेरिएबल्स भी अगर हो तो वो भी जब फोर्क की कॉल करेंगे तो उसकी भी कॉपी क्रिएट हो जाएगी, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। और हमने ये भी देखा कि अगर पॉइंटर्स भी अगर आपने यूज़ किए हों दोनों के दरमियान, अगर पेरेंट प्रोसेस के अंदर पॉइंटर हो तो उसकी भी कॉपी क्रिएट हो जाती है और वो दो सेपरेट फिजिकल लोकेशंस को पॉइंट कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट कुछ भी कर लें, फोर की कॉल के बाद पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस के दरमियान कोई कम्युनिकेशन का लिंक, कोई चैनल एग्जिस्ट नहीं करता। ये दोनों आपस में बातचीत नहीं कर सकते, पेरेंट चाइल्ड को कोई डाटा अब तक प्रोवाइड नहीं कर सकता, जितना आपने अब तक देखा है कोई डाटा प्रोवाइड नहीं कर सकता, ना ही चाइल्ड अपने पेरेंट को डाटा प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम दोनों प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो हमें फिर उसके अलग से मेथड्स देखने होंगे। उन मेथड्स को हम कहते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। दो प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करने के ये मेथड्स हैं। पहला मेथड है पाइप्स। जस्ट हमने आज इंट्रोडक्शन देना है, स्टार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। अब पाइप्स में हमारे पास दो तरह के पाइप्स हैं। पहला है एनोनिमस पाइप्स, जस्ट आप क्रिएट करें, यूज करें और उनको डिस्ट्रॉय कर दें, उनका कोई नाम नहीं होता। पाइप्स एनोनिमस पाइप्स यूज हो सकते हैं, नॉर्मली यूज होते हैं जब दो प्रोसेसेस के दरमियान पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा हो या सिबलिंग्स का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा हो। सिबलिंग मींस के दोनों एक ही पेरेंट से क्रिएट किए गए, दोनों का सिर्फ कॉमन पेरेंट हो। अगर आपने पेरेंट चाइल्ड या सिबलिंग्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है तो फिर आप एनोनिमस पाइप्स यूज कर सकते हैं। जस्ट आपने पाइप यूज किए, कम्युनिकेशन करवाई और उसके बाद पाइप डिस्ट्रॉय हो गए। दूसरी तरह के हमारे पाइप्स हैं वो नेम्ड पाइप्स हैं। डिस्क पे एक फाइल क्रिएट होती है, हर तरह के प्रोसेसेस कम्युनिकेट कर सकते हैं इसके थ्रू। जरूरी नहीं है कि वो पेरेंट चाइल्ड ही हो, दो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस भी हो सकते हैं। तीसरा मेथड है शेयर्ड मेमोरी का, कि जिन प्रोसेसेस ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है वो उनके दरमियान एक शेयर्ड मेमोरी क्रिएट कर दी जाती है, एक ऐसी मेमोरी जो सब एक्सेस कर सकें, उसे कहते हैं शेयर्ड मेमोरी। कोई एक प्रोसेस उसको क्रिएट कर देगा और बाकी सब उसको ज्वाइन करके यूज करेंगे। वैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करके एक शेयर्ड एरिया, एक शेयर्ड रीजन क्रिएट करवा लिया जाता है और फिर सब उसको यूज करते हैं। ये मेथड इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस के लिए है कि अगर इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं या पेरेंट चाइल्ड या सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपके पास बल्क में डाटा हो, ह्यूज डाटा हो जो कि आपके शेयर करना है, तो फिर शेयर्ड मेमोरी की ऑप्शन प्रेफरेबल होती है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास सॉकेट्स। सॉकेट्स को तब यूज करते हैं जब दो प्रोसेस दो डिफरेंट मशीन्स पर रन हो रहे हो, दरमियान में नेट आईपी नेटवर्क हो, यानी कि वो सेम मशीन पर रन नहीं हो रहे, दो सेपरेट मशीन्स पर रन हो रहे हैं, फिर हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचती है और वो है सॉकेट्स। फिर ऊपर वाली ऑप्शन सारी खत्म हो जाती है, फिर हम पाइप यूज नहीं कर सकते, शेयर्ड मेमोरी यूज नहीं कर सकते, फिर एक ही ऑप्शन है वो है सॉकेट्स की, यानी कि नेटवर्क प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी हमें, सॉकेट्स यूज करने पड़ेंगे और उसके दरमियान फिर उसके थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे। सॉकेट्स सुपर सेट है। अगर सिर्फ आप सॉकेट्स जानते हैं, सॉकेट प्रोग्रामिंग आती है, तो आप हर तरह के प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, सेम मशीन पे भी, डिफरेंट मशीन पे भी। लेकिन सेम मशीन पे ऐसा करना तो ज़रा स्लो होगा, क्योंकि जाहिर है कि वो पूरी नेटवर्क लेयर से गुजरेगा पैकेट और फिर वापस आएगा उस उन तमाम लेयर से गुजर के।
तो हमने इस कोर्स के अंदर सिर्फ पाइप्स को डिस्कस करना है, जो सॉकेट्स हैं वो आप कम्युनिकेशन या जो नेटवर्क का कोर्स है उसके अंदर पढ़ेंगे। जो नेम पाइप्स हैं ये इटसेल्फ एक प्रोसेस होगा। नेम पाइप्स में ये होता है कि एक फाइल क्रिएट कर ली जाती है, और वो फाइल एक ऑर्डिनरी फाइल नहीं होती बल्कि फाइफो होता है, यानी कि जिस ऑर्डर में राइट करते हैं उसी ऑर्डर में रीड कर सकते हैं। पाइप का मैकेनिज्म यही है। अगर टेक्स्ट फाइल हो तो फिर तो आपको ऑर्डर खुद मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि फिर तो आप रैंडमली भी रीड कर लेंगे उस फाइल को। लेकिन फाइफो का मैकेनिज्म यह है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिस ऑर्डर में डाटा राइट हुआ है उसी ऑर्डर में रीड होना है। तो पाइप्स इस चीज़ को इंश्योर करता है, यानी कि पाइप्स इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जिस ऑर्डर में राइटर प्रोसेस ने डाटा राइट किया है उसी ऑर्डर में रीडर रीड करे, रीडर डाटा लॉस नहीं होना चाहिए। यानी कि राइटर ने राइट कर दिया दोबारा राइट किया तो डाटा ओवरराइट नहीं होना चाहिए, और रीडर को डाटा उसी ऑर्डर में मिलना चाहिए जिस ऑर्डर में राइटर ने राइट किया। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ये मैकेनिज्म है। तो पाइप्स अनोनिमस हो या नेम्ड हो, दोनों सूरत में वो फाइफोस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। शेयर्ड मेमोरी में फाइफो का मैकेनिज्म नहीं है, वो आपको खुद इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। शेयर्ड मेमोरी जस्ट आप समझ लें कि एक ग्लोबल एरे बन गया है जो कि दो फंक्शंस के दरमियान एक्सेसिबल है। अब आपको ये पूरा मैकेनिज्म फाइफो का खुद इम्प्लीमेंट करना है, और सॉकेट्स में फिर वो फाइफो का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ओके, इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि किस मेथड को कब अप्लाई करना है। पहले हम देख लेते हैं कि अगर सिबलिंग्स और पेरेंट चाइल्ड के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है तो फिर कौन से मेथड आप यूज कर सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड है एनोनिमस पाइप का, वो सिर्फ पेरेंट चाइल्ड और सिबलिंग्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए, जबकि बाकी तीन मेथड्स जो हैं वो हर तरह के प्रोसेसेस के लिए। अगर दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसेस हैं तो तब आप नेम पाइप्स यूज़ करेंगे, शेयर्ड मेमोरी यूज़ करेंगे या सॉकेट्स यूज़ करेंगे। लेकिन सॉकेट्स स्पेशल मीनिंग भी है, स्पेशल पर्पस भी है उसका, कि सॉकेट तब यूज़ करते हैं जब दो डिफरेंट मशीन्स के ऊपर प्रोसेस रन हो रहे हो दरमियान में आईपी नेटवर्क, तो तब हम सॉकेट्स को प्रेफर करते हैं। प्रेफर क्या, फिर तो ऑप्शन ही है क्या हमारे पास, सॉकेट्स, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर सेम मशीन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तब सॉकेट्स भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन फिर हम ऊपर फर्स्ट थ्री ऑप्शंस में से देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन यूज़ करनी है। अगर डाटा ह्यूज नहीं है, अगर बल्क में डाटा नहीं है, आपने कुछ नंबर्स सेंड करने हैं या कुछ मैसेजेस सेंड करने हैं और जो रिलेशन है वो पेरेंट चाइल्ड का है, तो बेहतर है कि आप एनोनिमस पाइप यूज़ कर लें, क्विक मेथड है। लेकिन अगर पेरेंट चाइल्ड या सिबलिंग्स का रिलेशन नहीं है और आपका डाटा भी ह्यूज नहीं है, तो फिर आप नेम्ड पाइप्स यूज कर लें। लेकिन अगर डाटा बल्क में आपके पास, रिलेशन पेरेंट चाइल्ड का हो या इंडिपेंडेंट दो प्रोसेसेस हो, लेकिन डाटा बल्क में, तो फिर आप तीसरी ऑप्शन पे आएंगे, दैट इज द शेयर्ड मेमोरी। यानी कि एक इमेज है 10 मेगापिक्सल की, उसको ओपन करना है, और ओपन करके आपने अपने चाइल्ड प्रोसेसेस को सेंड करना है, पेरेंट प्रोसेस ने उनके साथ शेयर करना है ताकि वो अपना अपना पोर्शन प्रोसेस करें, तो फिर पाइप स्लो हो जाएंगे क्योंकि वो तो पिक्सल बाय पिक्सल डाटा सेंड करेंगे। तो फिर पेरेंट प्रोसेस क्या करेगा, शेयर्ड मेमोरी में फाइल को राइट करवा देगा और बाकी प्रोसेसेस के साथ जस्ट उनके पोर्शंस, यानी कि उनका स्टार्टिंग एड्रेस शेयर कर देगा कि यहां से उसका पोर्शन, उसका उसका जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपके पास बल्क में डाटा है, ह्यूज डाटा है, तो फिर आप शेयर्ड मेमोरी को यूज करेंगे। तो ये चार मेथड्स हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के। तो डिपेंड करता है कौन सा मेथड यूज करना है, वो एक तो डाटा के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि डाटा कितना है, और दूसरा वो डिपेंड करता है कि प्रोसेस किस नोयत के हैं। सिबलिंग्स हैं, सेम मशीन पे होंगे तो सिबलिंग्स हो सकते हैं, डिफरेंट मशीन्स पर हैं तो फिर इंडिपेंडेंट प्रोसेस होंगे।
फिर फोर्क की कॉल से तो नहीं क्रिएट किए गए? अगर फोर्क की कॉल तो एक सिस्टम पे क्रिएट करती है, दो डिफरेंट मशीन्स के ऊपर अगर प्रोसेस रन हो रहे हैं तो फिर एक ही मेथड है, वो है सॉकेट प्रोग्रामिंग। फिर डाटा बल्क में हो या ना हो, फिर आपने सॉकेट ही यूज़ करने हैं। अगर सेम मशीन है तो फिर आपके पास ऊपर वाली तीन ऑप्शंस हो सकती हैं कि आपने पाइप्स यूज़ करने हैं, नेम्ड पाइप्स यूज़ करने हैं या शेयर्ड मेमोरी यूज़ करनी है। जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सर अगर हम इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू अगर हम पैकेट्स सेंड करते हैं और अगर हम के मुकाबले में सॉकेट्स यूज़ करते हैं, तो उनमें यानी कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि हमने सॉकेट पैकेट आप नहीं सेंड कर रहे हैं, वो एक्चुअली फिजिकल लेयर पर खुद पैकेट्स बन रहे हैं, पैकेट्स की फॉर्म में डाटा जा रहा है। ठीक है, आपका डाटा पैकेट के साइज से कम है तो उसके अंदर पैडिंग हो जाती है जीरोस की, पैकेट साइज सेम रहना है। तो हम सिंपली एक खास पोर्ट के ऊपर डाटा राइट करवा देते हैं और वो जो डाटा है वो नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है TCP/IP उसकी लेयर से गुजर के ओवर द नेटवर्क ट्रांसमिट हो जाता है, और रिसीवर को जब मशीन पे जब पहुंचता है तो वो उसी प्रोटोकॉल के थ्रू वापस एप्लीकेशन लेयर पर आता है। सर जिस तरह कुछ गेमें होती हैं जो ब्राउज़र में ओपन हो जाती हैं और कुछ गेम्स होती हैं जो डाउनलोड करनी पड़ती हैं, वो मल्टीप्लेयर होती हैं, तो उनमें आई थिंक जो ब्राउज़र में है उनमें हम सॉकेट्स का कॉन्सेप्ट शायद ना है, जो डाउनलोड हम कर लें मशीन पे जिनमें मल्टीप्लेयर हो तो उसमें प्रॉबेबली शायद सॉकेट्स जो है वो इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। पहले आपको जो HTTP प्रोटोकॉल है, जो कि अगर आपके पास URL है तो सॉकेट के थ्रू उस वो डाटा भी आप ले सकते हैं। राइट सर, तो ठीक है, वो डाटा भी ले सकते हैं, तो कम्युनिकेशन का एक मेथड है। आप सॉकेट के थ्रू दो प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेट करते हैं। तो आपको चाहिए क्या होता है, IP एड्रेस और पोर्ट। पोर्ट और IP एड्रेस अगर आपको पता है दोनों मशीन्स का, तो वो दोनों मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। ठीक है, ये मेथड फिर आपका एक कोर्स है उसमें आपने पढ़ना है, तो इसलिए फिर हमने OS से निकाल दिया, तो वो आपने डिटेल में जाके फिर पढ़ना है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ अभी वो मेथड पढ़ाने का फ़ायदा इसलिए भी नहीं है कि उसके में आपको जो नेटवर्क की जो डिटेल्स हैं वो फिर इस कोर्स में नहीं। तो हम फोकस करेंगे पाइप्स के ऊपर। अगर आप एनोनिमस पाइप क्रिएट कर सकते हैं तो सिस्टम कॉल के थ्रू आप इजीली नेम पाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चार मेथड्स हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पाइप स्टार्ट करेंगे, और पाइप्स में ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज तक के यूज़ हो रहे हैं, तो आज ही इन तमाम अपने कॉन्सेप्ट्स को रिफाइन कर लें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें। अगर किसी की कोई लेक्चर मिस हुआ है, कोई टॉपिक मिस हुआ है, तो वो उसकी वीडियोस देख सकता है। तो कल हमारा लेक्चर होगा पाइप्स के ऊपर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्लास एंड करते हैं। सर ये वाली स्लाइड्स अपडेट कर दीजिएगा बस। ठीक है, मैं कर देता हूँ, ये भी आपको स्लाइड्स मिल जाते हैं।